आठवीं तक फेल ना करने की नीति खत्म करने का बिल लोकसभा में पेश। शिक्षा के अधिकार आरटीए कानून के तहत बच्चों को स्कूल में आठवीं तक फेल ना करने की नीति खत्म करने के लिए लोकसभा में विदेश पेश किया गया है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को यह बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 पेश किया। इस विधेयक को कैबिनेट ने 3 अगस्त को मंजूरी दी थी। विधेयक में किए गए प्रस्तावों के मुताबिक राज्यों को यह अधिकार होगा कि अगर बच्चे वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाएँ तो वे उन्हें पाँचवीं आठवीं में अथवा दोनों कक्षाओं में रोक लें, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें बच्चों को दूसरा मौका देना होगा। राज्यों को यह अधिकार भी होगा, वे चाहे तो वर्तमान स्थिति बनाए रखते हुए उन्हें आठवीं की कक्षा में फेल ना करें। दरअसल पिछले कुछ सालों से कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फेल ना करने की नीति की वजह से बच्चों के शिक्षा स्तर पर पड़ रहे थे और उनसे कहा गया है कि इसके प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा उठाते रहेंगे।